हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं अपने गोडाउन में बैठा हुआ हूं, तो थोड़ा सा दिखने में आपको मे बी अनप्लेजेंट लग रहा हो, तो प्लीज़ उससे बेयर कर लें। बट आपको मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर बहुत काम की देने वाला हूं। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि आपको किस तरह का गेयरबॉक्स नई गाड़ी में लेना चाहिए, या उनके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, कैसे उन्हें चलाया जाता है, जो भी डिटेल्स हैं, आज मैं आपके मन में वो कन्फ्यूजन सारी दूर कर देता हूँ। अनुमन जो हमारे इंडिया में कार्स बिकती हैं, उसमें चार तरह के आपको गेयरबॉक्स मिलते हैं। सबसे पहला होता है मैनुअल, जो सबसे कॉमन बेसिक पुराना है। फिर है आपका AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर आता है CVT, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। फिर आता है DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। उसके साथ ही मैं एक और गेयरबॉक्स ऐड कर देना चाहूँगा, जो कि होता है टॉर्क कन्वर्टर, एक DSG भी होता है। अब शुरू करते हैं कि डिटेल्स के बारे में। जो मैनुअल गेयरबॉक्स होता है, उसमें आपको क्लच के साथ एक गेयरबॉक्स मिलता है, जिसमें मोस्टली 5 या 6 गियर्स होते हैं, और ये आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। क्लच दबा के आप गियर को चेंज कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव्स क्या होते हैं? ये इकोनॉमिकल होता है। जब आप ख़रीदते हैं गाड़ी, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करना पड़ता इस गियर बॉक्स के लिए ज़्यादा। फिर ये आपको चलाने में कहीं ना कहीं बहुत मज़ा देता है। आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है गाड़ी के ऊपर, इंजन के ऊपर, आपको फन ज़्यादा आता है। उसके साथ ही इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो भी काफ़ी कम रहती है। इसकी नेगेटिव्स की बात करूँ, तो इसको ट्रैफिक में चलाना बहुत बड़ा सिरदर्द है, बहुत बड़ा। अगर आप ट्रैफिक में कंटिन्यूसली टू डे ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तो ये गेयरबॉक्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके पैर की बहुत बुरी हालत हो जाएगी क्लच पकड़े पकड़े, और आप बहुत इरीटेट हो जाएंगे। AMT की बात करें अगर, तो वो पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुआ है। वो भी एक तरह से मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, बट उसमें आपको जो गियर्स हैं वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। हालांकि उसमें भी क्लच होता है, वो आपके बिहाफ पे समझ लीजिए कोई और उसमें कर रहा है वो उसको। बट उसका जो डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा, उसमें आपको बहुत जर्क्स मिलते हैं, आपको स्मूथ नहीं मिलता ट्रांसमिशन, और आपको ओवरऑल मज़ा नहीं आएगा उसे लेके। तो आप मेरे ख्याल में उसे अवॉइड ही करें। हाँ, वो इकोनॉमिकल वो भी होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता कंपेयर टू मैनुअल, बट आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर CVT गियरबॉक्स की बात करूँ, तो वो AMT से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होता है। आपको जर्क्स उसमें AMT की तरह झटके महसूस नहीं होते हैं, और आपको कंफर्टेबल काफ़ी होता है। डेली ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा गेयरबॉक्स ऑप्शन है, और एक स्मूथ राइड आपको मिलती है उसमें। आपको मैं मज़ा तो नहीं कहूँगा, आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, बट आपको कम्फर्ट ज़रूर मिलेगा और स्मूथ होगी ड्राइव। और बट उसमें कई बार आपको एक रबर बैंड इफ़ेक्ट मिलता है, और आपको इलास्टिक सा इफ़ेक्ट मिलता है। अगर आप चलाएंगे तब आप उसे महसूस कर पाएंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब अगर मैं DCT गियरबॉक्स की बात करूं, तो वो इन तीनों में से ये जो चौथा है, ये बहुत ज़्यादा आपको स्पोर्टी और प्रीमियम लगता है, और इसीलिए इसकी प्राइस भी काफ़ी महंगी होती है। इन चारों गियरबॉक्स में सबसे ज़्यादा महंगा ये आता है, और इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई होती है, अक्सर अनुमान होती थी। अब हालांकि कंपनीज ने थोड़ा इस पर काम किया है, बट फिर भी मेंटेनेंस में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और इसमें दरअसल, जैसा कि नाम में ही डुअल क्लच है, तो इसमें दो क्लच होते हैं। ऑड गियर्स के लिए एक क्लच काम करता है, इवन गियर्स के लिए अलग गियर काम करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है गाड़ी के ऊपर, ऑटोमेटिक भी है, कम्फर्ट भी है, जर्क्स बिल्कुल नहीं है, स्पोर्टी है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक में जाना है, तो एक बहुत अच्छा गियरबॉक्स ऑप्शन है। इसके अलावा एक DSG भी होता है, एक होता है टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। जैसे अगर आपने फोर्ड इको स्पोर्ट थी, तो उसमें जो ऑटोमेटिक आता है पेट्रोल में, वो टॉर्क कन्वर्टर होता था। अनुमान टॉर्क कन्वर्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ओल्ड स्कूल गियरबॉक्स है ये, और ऑटोमेटिक्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जिसे हम प्योर ऑटोमेटिक बोलते हैं, उसमें ये DSG और टॉर्क कन्वर्टर, ये इन्हें दरअसल पूरी तरह ऑटोमेटिक गियरबॉक्स बोला जाता है। अब इसके साथ ही जो लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी आई है, जो मैनुअल AMT के आसपास कहीं है, AMT से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, उसका नाम आपने सुना होगा IVT करके, जो अभी हुंडई ने और किया ने मेनली उसे निकाला था। किया ने अपनी सोनेट में निकाला, उसे हुंडई ने वेन्यू में निकाला, और भी उनकी गाड़ियों में ये आने लगा है। तो उसमें सर क्या होता है कि उसमें भी आपका क्लच है, वो काम भी कर रहा है,
ट्रांसमिशन वो एक तरह से मैनुअल ही है, बल्कि मैं कहूँगा पूरी तरह मैनुअल है, क्योंकि आपको उसमें गेयरबॉक्स भी मैनुअल है, उसमें आपको गेयरबॉक्स खुद ही बदलना है, उसमें क्लच भी है। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें जो क्लच है वो आपको विजिबल नहीं होता, आपको दिखाई नहीं देता, आपको क्लच को ऑपरेट नहीं करना है, क्लच को वो खुद ब खुद गाड़ी और सिस्टम उसका ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। गेयरबॉक्स आपको चेंज करना है मैनुअली। तो ये काम कैसे करता है, जैसे ही आप गाड़ी के गियर में हाथ रखते हैं बदलने के लिए, तो वो सेंसर एक लगा है जो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, और जैसे ही आप गियर पे हाथ रखते हैं बदलने के लिए, तो एक क्लच जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट वो मौजूद है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और आप बिना क्लच के गियर बदल लेते हैं। ये है प्रोसेस, ये काफ़ी अच्छी प्रोसेस है, नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी गाड़ियों में पसंद की जा रही है और आ चुकी है, तो आप उसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और अगर इसकी पॉजिटिव्स में, ये कंफर्टेबल है, स्मूथ भी कहूँगा मैं, कोई जर्क्स आपको इसमें नहीं होते क्योंकि है तो ये मैनुअली एक तरह से, बस क्लच की आपको सिरदर्दी नहीं है अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और ज़्यादा महंगा नहीं होता है लाइक DCT या टॉर्क कन्वर्टर, और AMT से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। बट इसमें आपको कहीं ना कहीं आप फंस से जाते हैं, क्योंकि आप ना एक तरह से मैनुअल कह सकते हो इसे, ना ऑटोमेटिक, और आपको जो मज़ा है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। इवन कई बार आपको आदत नहीं पड़ पाती, एक बार आप, क्योंकि जब आप सोचते हैं आप गियर बदलना भूल जाते हैं, आपको लगता है क्लच तो ही नहीं ऑटोमेटिक है, बट आपको याद आता है कि रेव्स जब हाई होते हैं साउंड आता है, या आपको इंडिकेटर बोलता है कि गियर चेंज करो, तो ये क्लिक होता है कि यार गियर बदलना है, क्लच नहीं है बट गाड़ी मैनुअली है, तो ये चीज़ है। तो बट जो ट्रैफिक में है यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बाकी बस ये कुछ गेयरबॉक्स की इन्फॉर्मेशन थी, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, इन्फॉर्मेशन काम आएगी आपके। अपना ध्यान रखें, सीट बेल्ट पहने, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वेयर हेलमेट्स हमेशा जब भी आप चलाएं बाइक्स, घर पे कोई इंतज़ार करता है हमारा, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।